सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, विंडोज 10 में साउंड ऑटोमेटिक कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च बार में आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है साउंड के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ये जो साउंड वाला ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर स्पीकर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर एनहेंसमेंट में जो है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल ऑल एनहेंसमेंट, तो इस बॉक्स में आपको जो है चेक कर देना है। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है विंडोज 10 के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर विंडोज ऑडियो के ऊपर राइट क्लिक कर इसकी प्रॉपर्टी में आना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं साउंड वीडियो एंड गेम्स कंट्रोलर, तो इसको जो है आपको यहाँ पर एक्सटेंड करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ड्राइवर्स को अपडेट कर देना है। फिर मैं इसको राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ब्राउज माय कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को जो है आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यस कर देना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज 10 की सेटिंग ओपन करना है। आप शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आई प्रेस कीजिए तो सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं प्लेइंग ऑडियो, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद रन द ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से विंडोज 10 में साउंड की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।